बैठे हैं। आ बेटा बैठ बैठ। और बताइए सब कैसा है? सब ठीक है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत का क्या है बेटा, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, लेकिन ऊपर वाले की दया से तो ठीक है अभी। हाँ अब उम्र है ना, मुझे भी तो आपकी चिंता लगी रहती है। अब पड़ोसी है तो आपका ख्याल तो हम रखेंगे ही ना अम्मा जी। और ये सुधा कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? हाँ वो अभी मार्केट गई है सब्जी लेने। क्या मार्केट गई है? और ये आपके यहाँ आती है जो कमला, वो अभी नहीं आई? अब कमला आती होगी, करेगी घर का काम। मैं क्या कह रही थी अम्मा जी, काम पे ध्यान दीजिएगा, आजकल इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं भी अपने यहाँ चाहती तो लगा लेती काम वाली, नहीं मुझे इन पे भरोसा ही नहीं होता है। पता नहीं कैसे बर्तन धोए, कैसे झाड़ू पोछा करें, कपड़े धोए, इनके काम से संतोष ही नहीं मिलता है। कहे तो तुम सही रही हो बेटा। अब हम जितने अच्छे से सफाई करेंगे, ये हमारे घर को करेंगे क्या इतने अच्छे से? इनके तो बस पैसे से मतलब है, पैसा मिल जाए फोकट पे। नहीं लेकिन ये तो कमला हमारे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रही है, बहुत पुरानी है। हाँ वो तो है पुरानी है, लेकिन नियत बदलते इंसान की देर नहीं लगती अम्मा जी। अब हम आपके पड़ोसी हैं तो भला तो सोचेंगे ना मामा। नहीं नहीं बेटा, अच्छा बता रही हो तुम। अब तुम हमारा बुरा थोड़ी बताओगे, भले के लिए बताओ। और ज्यादा चाय पानी का नाश्ता का आप मत पूछा करो, इनके भाव चढ़ जाते हैं, नखरे बड़े हैं इनके आजकल। हाँ मैं तो अपना काम खुद ही करती हूँ। अरे सामान संभाल के जरा नजर रखना अम्मा इन पे, आजकल कैसे कैसे किस्से सुनने को मिलते हैं, आपने सुना नहीं है? हाँ शकल से तो सब भोले भाले लगते हैं। कब किसकी नियत कैसी? नहीं तुम सही कह रही हो, ठीक है मैं भी अब ध्यान देती। अब सुधा तो जानती हो बेचारी सीधी सादी है, इधर उधर काम में लगे रहती है। अम्मा जी नमस्ते। अरे मैं आप भी आई हूँ। अच्छा कमला आ गई। चल 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 ठीक है अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है जा। इतनी जल्दी काहे की है कमला, जब देखो तब तुम्हारी ट्रेन छूटती रहती है। जरा कोने से निकालो कचरा और झाड़ू हो जाए तो घर का जाला भी देख लेना, वो तो कभी देखती ही नहीं हो। हाँ वो भी देख लूंगी, जितनी जल्दी नहीं पड़ जाए भागने की जल्दी रहती है। जरा आराम से, सामान का भी ध्यान रखना। देख उसके नीचे देख, कर तो रही है ना मैं अम्मा जी काम, आप अपना काम करो ना। अब क्या इतना गीला पोछा मारते हैं? थोड़ा निचोड़ो। हाँ निचोड़ के तो पोछी है मैं अम्मा जी, और कितना निचोड़ो। और पानी देख कितना गंदा रखी है, जब पानी बदल के ला। काम चुके उस कोने से पहुंच कोने से। पहुंचा तो मैंने अभी कोने से। Oh no! हाँ जरा एक बार और ठीक से धो बर्तन, साफ तो धो रही है मैं अम्मा जी। हाथ फेरो चारों तरफ, जब भी उठाओ काम के लिए तो सब में दाग दिखता है। लो और मांज देती हूँ, इसमें क्या अपनी शकल देखोगे अम्मा जी? भूल गए कपड़े तुम्हारे? कितनी पानी धोया है? तीन टाइम धोया है। तीन बार? चलो जाओ एक बार और धो के लाओ। ऐसा करो ना अम्मा जी, अब ये अपना खुद ही धो लो कपड़ा। जितना आप जुबान चलाते हो ना, थोड़ा शरीर भी हिला लोगे तो स्वस्थ रहोगे इस उम्र में। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी भी। सुन बुढ़िया, अब तू कान खोल के सुन, तू ना इस उम्र में सठिया गई, इज्जत देने के लायक ही नहीं है। तेरे को मेरी मैडम ये जो झेलती है, दूसरी बहू होती ना तो तुझे समझ में आ गया होता, जुबान चलाना भूल गई होती। चल मैं जा रही हूँ। हाँ तो जा 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 ना जा।
मैम रहती तो रोज एक कप चाय देती है इतने काम के बदले, तेरे को तो एक कप चाय रखा हुआ देने में तकलीफ है, बस पट 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 किए रहती है। एक काम ढंग से करना आता नहीं, फोकट का पैसा है का हमारा? ऐसी हरकतें रही ना तो तेरे घर में एक काम वाली नहीं टिकेगी, ढूंढ ले अब जा। हाँ जा। आ गई? मम्मी जी अभी कमला नहीं आई क्या काम के लिए? आई थी महारानी, हा? थोड़ा सा ठीक से काम करने क्या कह दिया, चली गई झमक के। मैंने भी सुना दिया, हमारा पैसा क्या फोकट का पैसा है? चाय चाहिए था उनको ऊपर से। अब कौन करेगा मम्मी जी ये सब, ऐसे ही घर का इतना काम होता है। हाँ कमला, अब मैं आपके यहाँ और नहीं कर सकती काम। क्या हुआ? अब वो आपकी बूढ़ी सास है ना, सती आ गई, पता नहीं क्या हुआ, पीछे लगी रहती है, आप नहीं रहते हो तो और ज्यादा पीछे सर पे चढ़ जाती है। ये ऐसे नहीं किया, वो ऐसे नहीं किया। अब बताओ मैं कितने साल से आपके यहाँ कर रही है, आपको कोई कमी लगी? हा? मैं अपने मेहनत का पैसा लेती हूँ, फोकट का नहीं देती कि मैं किसी का इतना बात सुन। अरे वो गया ना, मम्मी जी की बात का क्या बुरा मानना, चल अब मैं ध्यान दूंगी, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब कोई फायदा नहीं है मैम जी, मैं आपके नीचे वाली मैम क्या लग गई, मेरे पास अब टाइम नहीं। हाँ जब तक आपकी बूढ़ी सठियाई सास रहेगी तब तक बिल्कुल सोचना भी नहीं मेरे को दोबारा बोलने के लिए। अब आप किसी और को देखिए, चलो मेरे को बहुत काम है, मैं रखती हूँ। मुझे तो बड़ा ज्ञान दिखी गई थी, अपने घर का काम अपने हाथ से करना चाहिए तभी सही तरीके से होता है, नौकरों का भरोसा नहीं है। अरे कमला सुन ना, मेरे यहाँ भी काम कर देना। अरे नहीं मैम, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं, मेरा आखिरी लास्ट टाइम बचा था जो मैंने यहाँ किया, अब मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं है, मेरे यहाँ ज्यादा काम नहीं है, और तू जो बोलेगी वो मैं तुझे दे दूंगी। आप किसी और को देख लो, मैं चलती है, मैं जल्दी में है। अच्छा मतलब टाइम होगा तब तो कर देगी ना मेरे यहाँ? हाँ ठीक है ठीक, मैं फ्री होगी तो आपको जरूर बताएगी, कर देगी आपके यहाँ। ठीक है अभी मेरे को जाने दो।